बिग बॉस के घर के अंदर साजिद खान बिना कुछ किए टेक्निकली, जैसे अंकित, जैसे स्टैन, जैसे सुंबल बिना कुछ किए इतना आगे पहुंच गए हैं, वैसे ही साजिद भी आगे पहुंच गए हैं। और धीरे धीरे उन्होंने शिव की मंडली को अपनी मंडली बना लिया है। ये टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है जो कि साजिद में है। बट हाँ, अब जनता जो है वो कॉन्स्टेंटली उन्हें नोटिस कर रही है और कॉन्स्टेंटली उनकी हरकतों को भी नोटिस कर रही है। सबसे पहले तो जब साजिद की एंट्री बिग बॉस 16 में हुई थी तो सबने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। सबने कहा था कि हमें कुछ भी करके साजिद नहीं चाहिए शो पर। लेकिन उन आवाजों का क्या हुआ, उन यू नो प्रोटेस्ट का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली साजिद शो पर रहे और अब तक है और आई थिंक जनवरी तक रहेंगे। विनर वो डेफिनेटली नहीं बनेंगे शो के, लेकिन जहां तक हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में है कि वो जनवरी से पहले वोट आउट नहीं होंगे। वो फाइनलिस्ट भी बन सकते हैं, इस बात की पूरी चांसेस है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी गई है कि वो पब्लिक वोटिंग से वोट आउट नहीं होंगे। क्योंकि अगर पब्लिक वोटिंग से वोट आउट होने की बात आ जाए तो साजिद पहले ही हफ्ते घर से बेघर हो चुके होते। लेकिन फिलहाल घर के अंदर जो भी हरकत उन्होंने सुंबल के साथ की है वो वाकई काफी शर्मनाक है। कल के पूरे एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे साजिद एक बार नहीं बल्कि बार बार सुंबल को ये कहते नजर आए कि यू नो तूने रिएक्ट किया, तूने रिएक्ट किया। अरे आप जिस तरीके से स्टोरीज दे रहे थे, आपके ऊपर भी 2 स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन आपने अपने खुद के ऊपर तो सवाल नहीं उठाया, आप बार बार सुंबल पर सवाल उठा रहे हैं। और उसके तुरंत बाद मैंने कई बार वैसे भी कहा है, पहले भी कहा है कि साजिद बहुत ही इनसेंसिटिव इंसान है। कोई अगर रोता है उनको उस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, कोई अगर अपसेट होता है उनको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। सामने वाले के रोने पर वो अजीब रिएक्शंस देते हैं, जैसे कि वो इरिटेट हो रहे हैं। अगर आपको सामने वाले का रोना नहीं पसंद आ रहा, सामने वाला अगर वेंट आउट कर रहा है तो आप दूसरी जगह चले जाइए। अगर आपको उनका रोना पसंद नहीं आ रहा, आप अगर इनसेंसिटिव हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो बाकियों की प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त साजिद घर के अंदर फिर से अपनी इनसेंसिटिविटी दिखा रहे हैं। अब्दू के फैंस ने कई बार साजिद को ट्रोल किया है क्योंकि अब्दू जब जब कुछ कहना चाह रहे होते हैं साजिद हमेशा उन्हें टोक देते हैं। साजिद हमेशा यू नो वो एक माई बाप वाली फीलिंग जो है कि हाँ जो भी हूँ वो मैं ही हूँ, बाकी सब बेवकूफ हैं, वो जो माई बाप वाली फीलिंग है साजिद खान की वो बहुत ही डिग्रेडिंग है। और बिग बॉस के घर के अंदर निमृत के साथ भी वो यही करे, जब भी निमृत रोती हैं वो कहते हैं कि ड्रामा शुरू कर दिया। अगर सबका रोना आपको ड्रामा लगता है तो आप इसीलिए शायद आपने कभी इमोशनल फिल्में नहीं बनाई, आपने सिर्फ कॉमेडी फिल्में बनाई हैं, क्योंकि आपके सेंसेस में ही इमोशंस नहीं है शायद। ये बात मैंने पहले भी कही और मैं दोबारा कहूंगी। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि निमृत कौर के साथ वो जो कर रहे थे, निमृत जब जब कुछ कह रही थी, इमोशनल हो रही थी, सेंसिटिव हो रही थी, वो हमेशा कट डाउन करते थे। सेम चीज़ वो सुंबल के साथ भी कर रहे हैं। सुंबल के साथ कल पूरे टास्क के दौरान उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात की है कि जैसा बाप वैसी बेटी, यू नो इसका बाप तो शायरियाँ लिखता रहता है, कौन सा बाप ऐसे लिखता है। अब वो उनके पापा की प्रॉब्लम है कि वो शायरियाँ लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, वो अपनी बेटी के लिए शायरियाँ लिख रहे हैं उसको मोटिवेट करने के लिए, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। आपको उस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है ये मुझे अब तक समझ में नहीं आया। और साजिद को कोई हक भी नहीं बनता कि वो सुंबल के पापा पर इस तरह की बातें करे। बट हैरानी की बात यह है कि वहाँ जो लोग आसपास बैठे थे उनमें से भी किसी ने बोलना ज़रूरी नहीं समझा, उनमें से भी किसी ने आवाज़ उठानी ज़रूरी नहीं समझी, चाहे शिव हो, स्टैन हो। हालांकि शिव हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे, लेकिन फिर भी उस चीज़ को चुपचाप वहाँ बैठकर सुनते रहना और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो बदतमीजी कर रहे हैं, उनको बदतमीजी करते देने जाना, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। साजिद की इन हरकतों पर बाहर सुंबल के फैंस भड़क गए हैं और सुंबल के फैंस ने उनको बॉयकॉट करने की डिमांड कर दी है कि कुछ भी हो जाए इस बंदे को बॉयकॉट करो। सबसे पहले तो सुंबल को ये बताने की, सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि वो जिनके साथ बैठी हैं वही उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, वही उनका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, ना कि बाकी के लोग। सो इस चीज पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बताइएगा।